एडमिनिस्ट्रेशन को, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट को ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जो माहौल उन्होंने हमारे इलाके में त्राल, खासकर त्राल में उन्होंने पकड़ कर खौफ दहशत का माहौल जो बनाया है, मुझे नहीं लगता है उन्होंने इससे क्या हासिल होगा और इससे हालात ही ख़राब ही हो जाएंगे। क्योंकि हमें माशरे में रहना है, उठना बैठना है, वहाँ पर लोगों के साथ मिलना जुलना है। लेकिन जब इन जिन हालात में जो यहाँ इस वक्त हालात पैदा हो रहे हैं, मुझे लगता है हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि वहाँ ठहरने की। और दूसरी बात, मैं ये समझे जानना चाहता हूँ कि अगर मिलिटेंट है, उसका कोई रिश्तेदार, हमसाया, कोई रिश्तेदार है, उसका कसूर क्या है? अगर वो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तो कोई एतराज़ नहीं उनको पकड़ने में या को कुछ काउंसिलिंग करने में, लेकिन बिला वजह उनके रिश्तेदारों को गिरफ्तार करना, पाबंद सरासर करना क्या मायने रखता है? मुझे लगता है, मैं गुजारिश करता हूँ हुकूमत से, एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूँ, कम से कम उन्होंने जैसे कि त्राल में जिन हालात में उन्होंने अपना एक मिसाल कायम की है, उन्हें चाहिए कि ऐसे ही रेस्पॉन्स को देने चाहिए। इसके साथ साथ मैं जो 15 अगस्त यानी आज़ादी की तकरीब होने जा रही है, तो मुझे लगता है ये 15 अगस्त आज़ादी की तकरीब नहीं है, ये यौमी अजाब है हमारे लिए। और इस सिर में मैं ऐसी तकरीबें बहस एक प्रोटेस्ट होने की सूरत में इसमें शिरकत नहीं करूँगा। सीधी सी बात है, वो एक एग्रीमेंट हुआ है जम्मू हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के लोगों से, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है हमारे साथ। इसमें जो एग्रीमेंट ही वो तोड़ने जा रहे हैं, तो फिर हमारा जवाब क्या रहता है हिंदुस्तान के साथ रहने का? मुझे चाहता है मैं अपने रियासत के लोगों से, खासकर अपने पॉलिटिशन मेन स्ट्रीम के लोगों से, चाहे हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हमारी PDP है, चाहे और दूसरी जो इलाकाई जमातें हैं, और खासकर इसके साथ साथ मैं कांग्रेस की सताइश करता हूं कि उन्होंने इस पंथी सब को डिफेंड करने के लिए अपना इन्हें के अपना सपोर्ट दिया है। मैं उसकी भी तारीफ करता हूँ। और 531 के हवाले से मुझे लगता है कि जो ये एग्रीमेंट जब टूट जाएगा, तो फिर हमारा कोई जवाब नहीं है हिंदुस्तान के साथ रहने का।